जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, प्रेम की पराकाष्ठा के प्रत्यक्ष स्वरूप में श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे। इस भाग से उनके भावावेश का प्राकट्य आरंभ होता है। उस दिव्य आनंद को अनुभव करें। आज निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। घर में विवाह शादी की तरह तैयारियां हो रही हैं। मिश्र जी ने अपनी शक्ति के अनुसार इस संस्कार को खूब धूमधाम से करने का निश्चय किया है। घर के आंगन में एक मंडप बनाया गया है। उसमें एक और विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उनके पीछे मिश्र जी के संबंधी और स्नेही बैठे हैं। सामने स्त्रियां बैठी हैं जो भांति भांति के मंगल गीत गा रही हैं। द्वार पर बाजे बज रहे हैं। चारों ओर खूब चहल पहल दिखाई पड़ती है। गृह पूजा और हवन आदि का कार्य कराने के निमित्त आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित प्रभृति विद्वान मिश्र जी के पास मंडप में बैठे हुए हैं। यथा समय छौर कराकर निमाई मंडप में बुलाई गई। उनका सिर घुटा हुआ था। आचार्य ने उन्हें अपने हाथों से ब्रह्मचारियों के से पीत वस्त्र पहनाए, पीले वस्त्र की लंगोटी पहनाई, ओढ़ने को मृग चर्म दिया और हाथ में बड़ा सा एक पलाश का दंड दिया। अब निमाई पूरे ब्रह्मचारी बन गए। गौरवर्ण के उज्ज्वल शरीर पर पीत वस्त्र बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। पिता के पास बैठकर इन्होंने समिधा दान किया, अग्नि में आहुति दी और यज्ञोपवीत धारण किया। मिश्र जी ने एक वस्त्र की आड़ करके इनके कान में वेद माता सावित्री अथवा गायत्री मंत्र का उपदेश किया। मंत्र के श्रवण मात्र से ये भाव में निमग्न हो गए। मंत्र सुनते ही इन्होंने एक बड़े जोर की हुंकार मारी और साथ ही अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हाथ का दंड एक ओर पड़ा था और ये अचेत होकर पृथ्वी पर दूसरी ओर पड़े थे। दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। प्राणवायु बहुत धीरे धीरे चल रहा था। यज्ञ के धूम्र लगने से लाल लाल आँखें आधी खुली हुई थीं और ये संज्ञा शून्य हुए चुपचाप पृथ्वी पर पड़े थे। इनकी ऐसी अवस्था देखकर सभी घबरा गए। मिश्र जी ने इनके मुँह में जल डाला, छींटे मारे, कई आदमी पंखे से हवा करने लगे। धीरे धीरे इनकी मूर्छा भंग हुई और ये कुछ काल में सचेत हो गए। सभी को इनकी इस अवस्था से महान आश्चर्य हुआ। सचेत होने पर इन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर छात्र को गुरु गृह में रहकर भिक्षा पर ही निर्वाह करना होता था। यज्ञोपवीत के समय आज भी एक दिन के लिए भिक्षा का अभिनय कराया जाता है। इसीलिए अब निमाई को भिक्षा मांगने के लिए झोली दे दी गई। निमाई के हृदय पर उस संस्कार का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा था। इन कृत्यों के कारण इनकी काया पलट सी हो गई। मुख पर एक अपूर्व ज्योति दृष्टि गोचर होने लगी। मुड़ा हुआ माथा सूर्य के प्रकाश में दमकने लगा। एक हाथ में दंड लिए और दूसरे में झोली लटकाए ब्रह्मचारी के वेश में निमाई बड़े ही भले मालूम पड़ते थे, मानो वामन भगवान अपने भक्त बलि से भिक्षा मांगने जा रहे हों। ये पहले अपनी माता के पास भिक्षा मांगने गए, फिर बारी बारी से सभी के पास भिक्षा मांगने लगे। आचार्य ने इन्हें भिक्षा मांगने का प्रकार बता दिया था। उसी प्रकार ये सबके सामने जाते और भवते विच्छाम देह कहकर झोली सामने कर देते। स्त्रियां इनके रूप लावण्य को देखकर मुग्ध हो गईं। माता मन ही मन प्रसन्न हो रही थीं। उनके हृदय में पुत्र स्नेह की हिलोरें निरंतर उठ रही थीं। वे निमाई की शोभा को देखते देखते तृप्त ही न होती थीं। अतृप्त दृष्टि से वे नीचा सिर किए हुए धीरे धीरे निमाई की ओर निहार रही थीं। स्त्रियां इन्हें भांत भांत की वस्तुएं भेंट में देती। कोई फल देती, कोई मिठाई का थाल और कोई कोई इनकी झोली में द्रव्य डाल देती। ये सभी के पास जाकर खड़े हो जाते। जिसके भी सामने खड़े होते उसी की इच्छा होती कि इसे सर्वस्व समर्पण कर दें। इस प्रकार ये भिक्षा मांगते हुए इधर से उधर घूमने लगे। इसी बीच में एक वृद्ध ब्राह्मण लाठी टेकते टेकते संस्कार मंडप में आया। उसने निमाई को इशारे से अपने पास बुलाया। ये जल्दी से उसके समीप चले गए। उसने अपने कांपते हुए हाथों से एक सुपारी इनकी झोली में डाल दी। इन्होंने उस सुपारी को जल्दी से झोली में से निकाला और निकालकर अपने मुँह में डाल लिया। सुपारी के खाते ही इनकी विचित्र दशा हो गई। ये किसी भारी भावावेश में मग्न हो गए और उसी भावावेश में माता से गंभीर स्वर में बोले, माँ आज से एकादशी के दिन अन्न कभी न खाया करना। माता भी भावावेश में अपने को भूल गई।
वह समझ न सकी कि निमाई ही मुझसे उक्त बात कह रहा है। उसे प्रतीत हुआ मानो कोई दिव्य पुरुष मुझे आदेश कर रहे हैं। इसीलिए उसने विनय के साथ उत्तर दिया, जो आज्ञा। आज से हरिवासर के दिवस अन्न ग्रहण न करूँगी। थोड़ी देर में इन्होंने कहा, अच्छा अब हम जाते हैं, अपने पुत्र की रक्षा करना। इतना कहकर ये फिर अचेत होकर गिर पड़े और थोड़ी देर बाद चारों ओर अपनी बड़ी बड़ी लाल आँखों को फाड़ फाड़ कर देखने लगे, मानो कोई नींद से जागा हुआ आदमी आश्चर्य के साथ अपने पास के अपूर्व कार्यों को देख रहा हो। इन्हें बाह्य ज्ञान होने पर मिस जी ने पूछा, बेटा क्या बात थी, तुम क्या कर रहे थे? इन्होंने सरलता के साथ उत्तर दिया, नहीं तो पिताजी, मैंने तो कोई बात नहीं कही, मुझे कुछ भी पता नहीं, जाने क्या हुआ। मुझे कुछ निद्रा सी प्रतीत होने लगी थी। इस बात को सुनकर सभी इस भावावेश के संबंध में भांति भांति के तर्क वितर्क करने लगे। किसी ने कहा किसी भूत प्रेत का आवेश है, किसी ने कहा किसी दिव्य आत्मा का आवेश है, भक्तों ने कहा नहीं, यह साक्षात हरि भगवान का आवेश है। उसी दिन यज्ञोपवीत के समय इनका नाम गौर हरि हुआ। स्त्रियों को यह नाम बहुत ही प्रिय था, अब से ये निमाई को प्राय गौर या गौर हरि ही कहकर पुकारने लगी। यज्ञोपवीत संस्कार के समाप्त होने पर गौर का समावर्तन संस्कार किया गया। उनके वस्त्र बदल दिए गए। माता ने बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा दिया। नूतन वस्त्र पहनकर गौर बाहर आए। उन्होंने सबसे पहले पिता के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया, फिर क्रमशः सभी वृद्ध ब्राह्मणों की चरण वंदना की। ब्राह्मणों ने इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद दिए। इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ इनका व्रत बंध संस्कार समाप्त हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के पश्चात ये आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित के समीप पढ़ने के लिए जाने लगे। इनकी मेधा शक्ति बाल्यकाल से ही बहुत तीक्ष्ण थी। अध्यापक जो इन्हें एक बार पढ़ा देते, फिर इन्हें दूसरी बार पूछने की कभी आवश्यकता नहीं होती थी, इसलिए सभी अध्यापक इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। थोड़े दिनों के पश्चात मिश्र जी ने इन्हें मायापुर के निकटवर्ती गंगानगर की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। उस समय उस पाठशाला के प्रधान अध्यापक पंडित गंगादास जी थे। पंडित गंगादास जी व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे। व्याकरण में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े योग्य छात्र उनकी पाठशाला में अध्ययन करते थे। उस समय व्याकरण की वही पाठशाला मुख्य थी। निमाई भी अन्य छात्रों के साथ पंडित गंगादास जी के समीप व्याकरण का अध्ययन करने लगे। प्रिय भक्तों, आइए अब इनके पिता अर्थात मिश्र जी के परलोक गमन के विषय में सुनते हैं। प्रिय भक्तों, माता पिता की सबसे बड़ी मधुर और सुख भरी कामना होती है कि वह अपने पुत्र को प्यारी पुत्र वधू के साथ देख सके। संसार में यही उनके लिए एक सुंदरतम सुअवसर होता है। सची देवी के सहित मिश्र जी उसी दिन की प्रतीक्षा करने लगे। तेरे मन कुछ और है, विधना के कुछ और। विधि को मिश्र जी का मंसूबा मंजूर नहीं था, उसने तो कुछ और ही रचना रच रखी थी। मिश्र जी अपने प्यारे पुत्र का विवाह उत्सव इस शरीर से न देख सके। निमाई अब 11 वर्ष के हो गए, नियमित समय पर पढ़ने जाते और रोज आकर पिताजी के चरणों में प्रणाम करते। एक दिन उन्होंने देखा पिताजी ज्वर के कारण अचेत पड़े हैं। उन्होंने घबराकर माता से पूछा, अम्मा पिताजी को क्या हो गया है? उदास होकर माता ने कहा, बेटा तेरे पिता को ज्वर आ गया है। निमाई पिता की खाट के पास जा बैठे और धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेरने लगे। निमाई के सुकोमल शीतल कर स्पर्श से पिता की तंद्रा दूर हो गई। उन्होंने क्षीण अर्थात दबे हुए स्वर में कहा, निमाई बेटा मुझे थोड़ा जल पिला दे। निमाई ने पास के बर्तन में से जल पिलाया, अपने वस्त्र से उनका मुँह पोंछा और प्रेम के साथ पूछने लगे, पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है? करवट बदलते हुए मिश्र जी ने कहा, अब मैं अच्छा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, तू पढ़ने नहीं गया? निमाई उदास भाव से पिता की ओर देखते हुए बोले, अब जब तक आपकी तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं होती तब तक मैं पढ़ने न जाऊँगा। मिश्र जी चुप हो गए। निमाई उदास भाव से उनके पास बैठे रहे। कई दिन हो गए, ज्वर कम ही नहीं होता था। वैद्य को भी सची देवी ने बुलाया। घर में इतना द्रव्य नहीं था कि बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया जा सके। पास में जो मामूली वैद्य थे उन्हीं की बताई हुई दवा कभी कभी दी जाती, किंतु रोग घटने के स्थान में बढ़ने लगा। मिश्र जी अपने जीवन की आशा से निराश हो गए। उन्हें अपने अंतिम समय का ज्ञान हो गया। क्षीण स्वर में उन्होंने सची देवी से कहा,
अब मेरे जीवन की कोई आशा नहीं है। मालूम होता है इस शरीर से अब मैं अपनी आशा को पूरी होते ना देख सकूंगा। अच्छा, जैसी रघुनाथ जी की इच्छा। मैं अब क्या कहूँ, मेरे साथ तुम्हें कुछ भी सुख प्राप्त न हो सका। भगवान की ऐसी ही मर्जी थी। अब मैं तो थोड़े ही समय का मेहमान हूँ, निमाई का ख्याल रखना। इतना कहते कहते मिश्र जी की सांस फूलने लगी। आगे वे कुछ भी न कह सके और चुप होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सची देवी फूट फूट कर रोने लगी। पिता की ऐसी दशा देखकर निमाई ने उन्हें खाट से नीचे उतारने की सलाह दी। मिश्र जी नीचे दाव के आसन पर लिटाए गए। मिश्र जी ने नीचे से धीरे धीरे कहा, मुझे श्री भागीरथी के तट पर ले चलो। उनकी इच्छा के अनुसार निमाई माता के साथ उन्हें स्वयं गंगा तट पर ले गए। 11 वर्ष के बालक ने किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने दिया। माता की सहायता से वे स्वयं मिश्र जी को गंगा तट पर ले गए। निमाई ने भी समझ लिया कि अब पिताजी हमें छोड़कर सदा के लिए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने रोते रोते कहा, पिताजी मुझसे क्या कहते हैं, मुझे किसके हाथों सौंप रहे हैं। मिश्र जी ने अपने शक्तिहीन हाथ को धीरे धीरे उठाकर निमाई के सिर पर फिराया और उनके सिर को छाती पर रखकर क्षीण स्वर में कहा, निमाई मैं तुझे भगवान विश्वम्भर के हाथों सौंपता हूँ, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। यह कहते कहते मिश्र जी ने पुण्य तोया भगवती भागीरथी की गोद में अपना यह नश्वर शरीर त्याग दिया। निमाई और सची देवी चीत्कार करके रोने लगे। सगे संबंधियों ने उन्हें धैर्य धारण कराया। यथाविधि निमाई के पिता की अंत्येष्टि क्रिया की गई। पिता के परलोक गमन से उन्हें बहुत दुख हुआ। माता को तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार प्रतीत होने लगा। उन्हें मिश्र जी की असमय मृत्यु से बहुत दुख हुआ। घर में कोई दूसरा नहीं था, इसलिए गौर ने ही माता को धैर्य धारण कराया। उन्होंने माता से कहा, अम्मा भाग्य को कौन मेट सकता है, मृत्यु तो एक न एक दिन सबकी ही होनी है। हमारे भाग्य में इतने ही दिन पिताजी का साथ बदा था, अब वे हमें छोड़कर चले गए, तुम इतनी दुखी मत हो। तुम्हें दुखी देखकर मेरा कलेजा फटने लगता है, मैं हर तरह से तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। निमाई के समझाने पर माता ने धैर्य धारण किया और अपने शोक को छिपाया। प्रिय भक्तों, इससे आगे की चर्चावली को हम अगले भागों में प्रस्तुत करेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं और अब आपसे विनती है कि प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।